आपको नज़र आ ही रहा है, पर मैं भी अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत सारे चीज़ें इस बीच में ऐसी आ गई थी जिसमें लोगों ने थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई थी। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे कामों में लोगों को नेगेटिव अप्रोच करनी चाहिए। ये शहर के हित का मामला है और यातायात व्यवस्था को सुधारना पूरे शहर के एक एक लोगों का सपना है कि हमारा यातायात सुधरे, और मैं उसी तरफ से काम कर रहा हूँ। मैं किसी को न नीचा दिखाना चाहता हूँ, न मैं किसी से ईर्ष्या है, और न ही मैं किसी को ज्वेलस रखता हूँ कि मैं उसको नीचा दिखाने के लिए या मैं अपने आप को साबित करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं केवल मेरे शहर के लोगों को सुविधाएँ देने के लिए और मेरा जैसा ये शहर है उसको वैसा बनाना चाहता हूँ, केवल इसी क्रम में काम कर रहा हूँ। और किसी का रोजगार छीनना या किसी को बेरोजगार करना या किसी को परेशान करना ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि सब हम सिस्टम के साथ चलें, सिस्टम को फॉलो करें। तो टेम्पो वाले और थोड़ा सा वेंडर्स की प्रॉब्लम थी, आज टेम्पो यूनियन को मैंने बुलाया और उनसे बात करी कि आप लोग मुझे मिले नहीं, मुझसे मिलना चाहिए था। अब एक बना दिया हमने कि भाई जहाँ ट्रैफिक लाइट्स है उसकी 150 फीट के दायरे में टेम्पो नहीं रुकेंगे, आने में जाने में तीनों जगह, और इनके स्टॉपेज तय कर देंगे। अगले वीक में एक नई मीटिंग करके इनके स्टॉपेज बना के टेम्पो वहीं रुकेगा जहाँ पे स्टॉपेज है। एक जगह एक ही टेम्पो रुकेगा, दूसरा टेम्पो आने पे अगला टेम्पो ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उसका उसको क्रेन उठा के ले जाएगी। शहर में जो रोड में कर गया, हाँ, संबंध में क्या कल सुबह से, बल्कि नहीं अभी से 4 आदमियों की एक टीम, ट्रैक्टर, पूरा अतिक्रमण दस्ता लग जाएगा काम पे रेगुलरली। और जिन्होंने फुटपाथ पे सामान रख रखा है, जिन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, जो बाहर बैठ के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, उन सब सीज कर लिया जाएगा। इसमें कोई कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी की सिफारिश माने या कोई इससे नाराज हो रहा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शहर हम सबका है और हम सबका कर्तव्य है कि शहर को सुंदर से सुंदर बनाएं और सहयोग करें। और आज एक सबसे बड़ा काम हुआ है, गोवंश जो आवारा गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है उसके लिए हमारे को कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा सेवा केंद्र के पदाधिकारियों को मैंने बुलाया था। और इस मीटिंग का सबसे मोटा और सुखद पहलू ये है कि उस टीम ने इस काम को एडॉप्ट कर लिया कि जितने भी गोवंश हैं शहर में आवारा घूम रहे हैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके गौशाला और जो हमने गांजी हाउस बनाया है वहाँ पे ये ले जाएंगे, डाल देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है और मैं साधुवाद भी देना चाहूँगा कृष्णगढ़ गौ चिकित्सा सेवा केंद्र वालों को, पूरी टीम को, कि उन्होंने एक मानवता के हित में काम किया है। गोवंश को बचाने के साथ साथ आम जनजीवन को बचाने का काम भी उन्होंने किया, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे करके करते करते लोग आगे आएंगे और हमें सहयोग करेंगे और हम धीरे धीरे इस शहर को बहुत सुंदर बनाएंगे। एक्चुअली हमने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पहले भी कुछ मीटिंग्स भी आयोजित की थी, बहुत सारे अभियान भी चलाए थे, कंटिन्यूस अभी चल भी रहा है, काफ़ी व्यवस्था सुधरी है। अब उसी क्रम में ये मीटिंग रखी गई थी कि हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही थी, कुछ समस्याएँ भी आ रही थी ऑटो चालकों की और वेंडर्स की। तो आज ऑटो यूनियन और वेंडर्स के जो अध्यक्ष थे उन्हें बुलाया गया। हमारा निर्णय ये रहा कि ऑटोज़ का हम स्थान निर्धारित करेंगे और जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स हैं तीनों ट्रैफिक लाइट्स पे ऑटो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ये वैसे ही प्रतिबंधित होते हैं, 100 मीटर की दूरी पे ये खड़े हो सकते हैं और उसमें भी एक ऑटो यदि खड़ा है तो दूसरा ऑटो नहीं आएगा। सड़क पे जो अतिक्रमण है उसको दुकानों के जो बाहर दुकानों के जो अतिक्रमण है इसके लिए भी अभी नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते को निर्देशित कर दिया गया है, आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और जिसने भी अतिक्रमण कर रखा है, बोर्ड्स लगा रखे हैं, सामान बाहर रख रखा है, तो ये न्याय संगत नहीं है, नियम विरुद्ध है और इन पर कार्रवाई की जाएगी। मैम आवारा जानवर सबसे बड़े आवारा जानवर जो कि अब शहर की एक बड़ी समस्या हो चुके हैं, इसके लिए कंटिन्यूस हमारे प्रयास जारी हैं। आज हमारे पास एक एनजीओ ने भी कॉन्टैक्ट किया है जो स्वयं वॉलंटियरी के तौर पे हमारी मदद करने के लिए इच्छुक हैं और हम कल से उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो टीम की शॉर्टेज है वो मैनेज हो जाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का सपना हमने देखा है वो जल्दी ही साकार हो जाएगा।